नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात तंगों पर चल रहे सियासी दंगल की। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सरकार पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया, साथ ही दंगा केस वापसी के मामले पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी की सरकार को दंगों वाली सरकार करार दिया। सांप्रदायिक घटनाओं के मसले पर पूछे गए सवाल का सही जवाब न मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। दंगा केस वापसी को गलत बताते हुए विपक्ष ने सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। इसके अलावा विपक्ष ने बीजेपी सरकार बनने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया। विरोधियों ने एक के बाद एक कई हमले किए। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि विपक्ष के तमाम आरोप निराधार हैं। हर मसले पर कानून के दायरे में रहते हुए ही काम किया जा रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता यूपी बीजेपी। जूही सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ओंकारनाथ सिंह जी, प्रवक्ता यूपी कांग्रेस। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, आरोप ये कि मुजफ्फरनगर दंगे की केस वापसी को लेकर सरकार पूरी तैयारी में है और यही नाराजगी विपक्ष में है। आरोप ये कि दंगा करवाने वाली सरकार दंगे के केस को वापस कर रही है। राहुल जी, 2013 में उत्तर प्रदेश में एक भयानक दंगा मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में जी श्री अखिलेश यादव जी के संरक्षण में हुआ था, तत्कालीन सरकार के संरक्षण में हुआ था। उस दंगे के दौरान FIR कई लोगों पर हुई थी। उस दंगे के पश्चात एक सुप्रीम कोर्ट ने SIT का भी गठन किया था जी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व MP सईदुज्जमा, बसपा के पूर्व MP कादिर राणा, नूर सलीम राणा उनके बेटे, समाजवादी पार्टी के पार्षद और जानसठ के वो मौलवी जिनको उसी दंगे के दौरान अखिलेश यादव जी ने बुला के 5KD पे खीर खिलाई थी जी, वो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जो सबके जेहन में जिंदा है। वो मुजफ्फरनगर कांड क्यों हुआ था? दो लड़के सचिन और गौरव अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी और तात्कालीन जो प्रभारी मंत्री थे उनके दबाव में अपराधियों को गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया था। अब बताने की आवश्यकता नहीं है प्रभारी मंत्री उस समय कौन थे, वहां के श्री आजम खान जी थे जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया था हमारी सरकार बनने के पश्चात। मनीष जी, लेकिन जो सवाल है विपक्ष का, जिस पर राजनीतिक विद्वेष पर भी जवाब हो जाए कि इस दंगे की केस वापसी क्यों? राहुल जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। हमारी सरकार ने फैसला लिया था कि राजनीतिक विद्वेष के कारण अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे कुछ मुकदमे कायम हुए होंगे तो विधिक प्रक्रिया को अपना कर, चूंकि मुकदमे जो वापस लेने की प्रक्रिया है वो विधिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत एक पूरा परीक्षण होता है। अगर वो विधिक प्रक्रिया में पास होता है तो मुकदमे वापस होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। और जिन दो लोगों की चर्चा आज हो रही है कि राजनीतिक कारणों से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, तो तत्कालीन सरकार ने उनके ऊपर NSA लगाया था, जिसको उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने जिसको खत्म किया था, उस दौरान ही खत्म किया था जी। तो तमाम राजनीतिक कारणों से उस समय मुकदमे जाति और धर्म को देखकर कायम हुए थे। और अगर किसी के ऊपर कहीं फर्जी मुकदमे हैं तो हमारी सरकार ने अपनी सरकार बनने के समय में विधिक परीक्षण के उपरांत इस तरह के मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। ठीक है, जूही सिंह जी, विधिक परीक्षण के बाद ही ये फैसला लिया गया कि जिन पर राजनीतिक विद्वेष के चलते केस दर्ज किया गया उनके केस वापसी को लेकर फैसला लिया गया है, तो फिर ये आरोप
दंगा केस वापसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि दंगा कराने वाली सरकार अब दंगे के केस की वापसी कर रही है। राहुल जी देखिए, ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करें। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद अपनी कलम से सीबीआई का केस तो हमने नहीं दायर किया था ना, सीबीआई उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए परमिशन मांग रही थी, अपनी कलम से उन्होंने प्रोसिक्यूशन मना कर दिया। ये ऐसी सरकार है। बाकी ये राजनीतिक कारण क्या होते हैं ये भी कुछ परिभाषित कर दें। और जो बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि इस सरकार में दंगा हुआ, दंगा कराया किसने, उसमें आपके एमएलए और एमपी भी आरोपित थे, तो आप अदालत हैं, आप श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने कराया, आरोपित किया जाए किसको आरोपित न किया जाए, आजम खान उसको संरक्षण दे रहे हैं, आपको लगता होगा आप जज हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं, केस हो जाएगा आपके ऊपर भी, बिना मतलब बिना प्रूफ के मत इल्जाम लगाया करिए, जाइए और आप भी कोर्ट में दर्ज कराइए, आप भी मुकदमा वापस ले रहे हैं ना, अपना भी मुकदमा वापस ले रहे हैं, आप भी आप मुकदमा वापस लेने की पीएचडी आपने हासिल की है, आप जज हैं क्या कि आप बताएंगे, अरे हिम्मत क्या बात, कोई चैनल ने बताया था कि प्रभारी मंत्री ने किस तरह से चैनल में झूठ बोलना, ये अखिलेश यादव उस चैनल अखिलेश यादव के संरक्षण में दंगे हुए थे, जाते भर को चुन चुन के मुकदमे कायम हुए थे, मुजफ्फरनगर में सचिन गौरव को मारा गया था, अपराधियों को छोड़ा गया था, किसके सारे को छोड़ा गया था, सांसद के मौलवी को जिसके ऊपर दंगे के आरोप थे, दंगे के दौरान मलाई और दूध खिलाने का काम अखिलेश यादव जी फाइव कैडी पे करते थे। अगर हिम्मत हो तो केस दायर करिए जिसके खिलाफ, अपने लोगों से मुकदमा वापस लेने से आपकी कायरता बिल्कुल और आपका जुर्म साबित होता और है। अगर जो आप टीवी में बोल रहे हैं, अगर आपके पास इसका प्रूफ है, टीवी में जो ये बोल रहे हैं इसका प्रूफ है, तो भी इसकी सरकार जनता से की गुनाहगार है। ठीक है, ओंकार नाथ सिंह जी, ओंकार नाथ सिंह जी एक रिएक्शन सुप्रीम कांग्रेस की तरफ से एसआईटी का पूरे मसले को लेकर, ओंकार नाथ सिंह जी सुप्रीम सिंह जी जरा शांत हो जाइए, मनीष जी यहाँ चिल्ला, ओंकार नाथ सिंह जी नहीं हो जाएगा। देखिए, जो ये केस वापस लिया जा रहा है, जो आधार बनाया गया था, विधानसभा में एक बार बहस हुई थी जी, और लोगों से ये मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो राजनीतिक रूप से जो दंगे मतलब जो प्रदर्शन होते हैं, उस प्रदर्शन में जो गिरफ्तारियां होती हैं छोटे मोटे केसेस में, उनको वो वापस ले लेंगे, जिससे कि सरकार पर जो मुकदमे का भार है वो खत्म होगा। और प्रदर्शन जब भी आंदोलन होता है, राजनीतिक आंदोलन, तो उसमें इस तरह से कभी कभी लाठीचार्ज हो जाती है, कभी दूसरी तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, उधर से लाठीचार्ज होती है, आंसू गैस फेंका जाता है, उसमें जो मुकदमे होते हैं उसको वापस ले लिया जाएगा। अब उस वो मुकदमे तो वापस लिए नहीं गए, मुख्यमंत्री जी ने पहले क्या किया कि अपने खिलाफ जितने मुकदमे थे उनको वापस लेने के लिए कोशिश कर दी। और मुझे एक बात देखिए, विधानसभा में पास हुआ लेकिन उसका जीओ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता था, तो उन्होंने अपने आप उसको बना दिया। उसके बाद अब इस तरह के संगीत सोम टाइप के लोगों के मुकदमे वापस होने लगे, जो हत्या के मुकदमे और दंगे में फंसे हुए उनके मुकदमे है, जहां सीबीआई इंक्वायरी तक सेटअप हो गई थी। तो आपको कम से कम ये देखना चाहिए था, पहले तो जानकारी कर लेते, फंसी कराने की क्या आवश्यकता थी। जब एफआईआर जब चार्जशीट हो गई तो डीएम के हाथ में कुछ नहीं रहता है, तब वो कोर्ट से होता है, और कोर्ट से वापस लेने का प्रोसीजर होता है, और कुछ केसेस होते हैं जिनको ही वापस लिया जा सकता है कुछ नियम के हिसाब से। आप उसको न करके आप डीएम पर प्रेशर डाल लेंगे मुकदमे वापस ले लो, ये कैसे संभव है? ये दिखाता है सरकार की अनुभवहीनता, कि सरकार को कुछ मालूम नहीं है, अधिकारी उनको नचाते रहते हैं, उनको 5 साल पूरा करना है, ये जानते हैं इन सब चीजों को हम नहीं वापस ले सकते हैं, उनको टहला रहे हैं और वो टहल रहे हैं। ठीक, इतनी सी बात। ठीक है सर, विजय उपाध्याय जी, मुजफ्फरनगर दंगे को पूरे देश ने देखा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर छींचा लेदर उत्तर प्रदेश की हुई, ठीक, अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो जो दोषी है इसे हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत छोड़ देते तो बेहतर होता, लेकिन अब जो आरोप विपक्ष का है कि अपनों को चुन चुन कर इस केस से हटाया जा रहा है, मतलब दंगा वापसी का जो केस है, दंगे का केस जो वापस किया जा रहा है, उसे लेकर ये आरोप विपक्ष का है,
जरा आपसे तफसील से समझना चाहते हैं कि आखिर इसे किस नजर से देखा जाए। देखिए, कोई भी सरकार जब रहती है जिस पार्टी की जी, तो उसका अपना एक नजरिया होता है। दंगे में दो तीन तरीके के दंगे हो गए। एक अगर बहुत ही बड़ा दंगा हुआ या मध्यम दर्जे का हुआ या सांप्रदायिक तनाव हुआ, और उसकी प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ी। दंगे में ढेर सारे मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन उसमें कई बार बहुत से इनोसेंट लोग भी फंसते हैं, तो वो इनोसेंट लोग से मुकदमा वापस लेना चाहिए। दंगे और आपसी दुश्मनी दोनों क्राइम हैं। दोनों को अगर आप तुलना करें जी, तो जो दंगा है, अगर उसमें जहां भी दंगा भड़कता है, थोड़े दिन बाद दोनों समुदाय एक साथ बैठते हैं, फिर पहले जैसे भाईचारा और सद्भाव का माहौल कायम हो जाता है। आपसी दुश्मनी में ये बात नहीं होती। आपसी दुश्मनी लंबे समय तक चलती है, टकराव कायम रहता है। तो दंगा, चूंकि अगर FIR हो गई दंगे में जी, और उसमें हत्याएं हो गई और बड़ी घटनाएं हो गई, तो वो तो अलग बात है, उसमें तो क्रिमिनल प्रोसीजर चलना चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन अगर छोटे मोटे मामले हैं तनाव के, तो उसको निश्चित तौर पे विड्रा करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के सेटअप में, और जहां मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं जी, वहां कभी होली पे रंग पड़ गया तब, या नमाज के समय कोई जानवर गुजर गया तब। मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर ली जाए, जो केस वापसी की बात हो रही है, इससे पहले प्रतिनिधिमंडल भी सीएम से मिला था, बाकायदा उस केस की सूची भी सौंपी गई थी। देखिए मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो शुद्ध प्रशासनिक फेलियर था। विष्णु सहाय आयोग की जो रिपोर्ट, जिसका अभी जूही जी जिक्र कर रही थी, उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात का इंडिकेशन था कि प्रशासनिक लापरवाही से, तत्कालीन अधिकारियों के प्रशासनिक लापरवाही से दंगा हुआ। मैं दंगे का एक एक दिन की घटनाक्रम को जानता हूं जी। 27 तारीख थी उस दिन शुरू हुआ वो पहला, सचिन गौरव और उसकी बहन वाला जो मामला है जी, जिन लोगों ने पहले सचिन गौरव ने किसी को पीटा वो मर गया, फिर वहां के लोगों ने सचिन गौरव को पीटा, सचिन गौरव मर गए। उसके बाद जो लोग बैठाए गए थाने में उनको छोड़ दिया गया। 31 तारीख को वहां पे एक पंचायत बुलाई इन लोगों ने। उसके पहले ही वहां दूसरे नेताओं ने, जो रूलिंग पार्टी के और बसपा के नेता थे, उन्होंने, शुक्रवार का दिन था, दो दिन पहले ही 28 तारीख को उन्होंने एक प्रदर्शन कर दिया पूरे शहर को जाम करके, और डीएम आए, ज्ञापन लेके गए, और बाद में जो इस समय लखनऊ के डीएम है, यही वहां पे उस समय डीएम हुआ करते थे, उन्होंने आके मौके पे ज्ञापन लिया। फिर इन लोगों के सर, लेकिन इसमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं चर्चा के दौरान कि जिन्होंने केस वापसी की मांग की है, क्या वाकई राजनीतिक विद्वेष के चलते उन पर केस दर्ज किया गया था, इस वजह से इस केस वापसी की मांग की जा रही है, और केस वापस भी होना चाहिए। तो राहुल जी, उस देखिए, ये विवाद तो उसी समय से शुरू हो गया कि राजनीतिक द्वेष से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसी समय ये बात शुरू हो गई थी। और इसका कारण ये था कि वहां पे जो मलिक जाट समुदाय के लोग हैं, जिनके बच्चे गौरव और सचिन थे, उन लोगों ने अपने कार्यक्रम आयोजित किए, उन कार्यक्रम के दरमियान ही बाद में दंगा भड़का 7 तारीख को। तो उस मान लिया गया कि जिन लोगों ने पंचायत बुलाई थी, महापंचायत बुलाई थी, उन लोगों ने ही दंगा भड़काया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में जब पंचायत बुलाई गई तो दूसरे कम्युनिटी के लोगों को लगा कि ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, और बीच में कुछ पत्थर वत्थर बसों पे फेंके गए थे, तो इन लोगों ने पकड़ के एक आध युवकों को पीटा, बाद में पंचायत तक ले गए कि युवक को, उसको वहां बहुत पीटा, उससे मैसेज वहां बहुत अलग किस्म का फैल गया, और लोगों ने बाकायदे मोर्चेबंदी कर ली और हमले किए बाद में, जब पंचायत से लोग लौट रहे थे तो। और उसके बाद FIR वगैरह दर्ज की गई। हाँ, बयान जो दिए गए उनके आधार पर। लेकिन जहां तक बात है कि भाजपा नेताओं की, तो भाजपा नेताओं की सीधी भागीदारी मीडिया ने भी कहीं रिपोर्ट नहीं की। हाँ, उकसाने वाली अगर बात थी तो कादिर राणा सहित तमाम नेता वहां के, उन्होंने भी मीटिंग करके उकसाने वाले भाषण दिए थे। तो जो पूरा मामला था उसमें पॉलिटिकल एंगल बहुत जबरदस्त था, और सरकार चूंकि फंस गई और फेल हो गई थी उस समय, सेना को बुलाना पड़ा था वहां पे, और जितनी देर दंगा चला उस दरमियान ही 65 मौतें हो गई वहां पे, तो सरकार ने ढेर सारे मुकदमे दर्ज करके एक पॉलिटिकल वेंडेटा भी बनाया कि भाई दंगा फैलाने वाले लोग, हमारी प्रशासनिक फेलियर नहीं थी, इन लोगों की वजह से दंगा फैला है, जो उस समय अपोजिशन में थी। इसीलिए मनीष जी, इसीलिए सरकार में केस वापसी की तैयारी है। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको?
जी जी राहुल जी, इसीलिए केस वापसी की तैयारी है। देखिए राहुल जी, दंगे को बहुत विस्तृत तरीके से विजय जी ने बताया। उस समय जो केस दर्ज हुए थे उसमें संगीत सोम और सुरेश राणा के ऊपर उसके बाद NSA लगाया गया था जी। सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की थी। दोनों लोग कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने इन लोगों को उसमें दोषमुक्त तत्काल करके उनको जमानत दी। तो आप लोग केस वापस ले रहे हैं। NSA गलत लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो आज के दिन में ना लगाया गया है लखनऊ में, जो आज के दिन में जी सुनिए, फिर आप सवाल कीजिए। अभी आप कहा लखनऊ ना राहुल जी, बहुत सुन रही हूँ मैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है अब तो ज्यादा काबिल हो गए हैं, उस समय काबिल नहीं थे, वो नहीं बोल पाएंगे। अरे हटा दिया, आप क्यों हटा रहे हैं? आप कौन होते हैं या इस पैनल पर कौन होता है कहने वाला कि सुरेश राणा और संगीत सोम की मीडिया में भी उभर के कोई भागीदारी नहीं आई थी? इसलिए संगीत सोम और सुरेश राणा और जो आपने 130 लोगों के केस वापसी के लिए लिस्ट भेजी है वो निर्दोष है। देखिए तो अदालत, आप उच्च न्यायालय को मत मानिए, अखिलेश यादव जी ने माने। अरे जो लेकिन NSA हटाया गया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर। राहुल जी, अरे आप तो नहीं आते जाएगा तत्काल उसी दौरान गिरफ्तारी हुई उनकी, गिरफ्तारी के पश्चात कोर्ट ने NSA हटाया, सरकार ने नहीं हटाया था। आप उनको टाइम दे दीजिएगा, जूझ को पहले हल्ला मचा लेने दीजिए। राहुल जी मैं चुप होता हूँ, मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। आप बता रहे हैं यहाँ पर कि बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकारों का काम है, ये सरकारों का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को लगता है केस वापस आया जी, सरकार कर रही है जो उसका काम है कि नहीं, ये अपने लोगों को अपने लोगों से केस वापस ले रही सरकार, तो आप हल्ला कीजिए। राहुल जी ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जूही सिंह जी एक मिनट के लिए सुन तो लीजिए, एक मिनट के लिए सुन लीजिए, पहले बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर सवाल कीजिए, जवाब दीजिए। आप जूही सिंह जी ठीक है, जूही सिंह जी चर्चा तो होने दीजिए, चर्चा तो होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, आप विस्तृत रूप से घंटा जूही सिंह जी चर्चा होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, चर्चा तो होने दीजिए, मैम चर्चा होने दीजिए, अगर समझने की कोशिश करने दीजिए कि आखिर किस आधार पर केस वापसी की तैयारी है, प्रूफ कहाँ है, आखिर विपक्ष हल्ला क्यों कर रहा है, समझने तो दीजिए आप, समझने दीजिए सुरेश राणा और जूही सिंह जी, समझने तो दीजिए नहीं थी ये तो मनीष जी और मीडिया, आप जो कह रहे हैं उसे सही मान लें, मनीष जी जो कह रहे हैं उसे सही मान लें, समझने तो दीजिए आप, परमिशन है, परमिटेड, बोलिए बोलिए मनीष जी, बात पूरी कीजिए, जूही सिंह जी बीच में ना बोलिए, ना वो आपके बीच में बोलेंगे, मनीष जी जब मेरा मानेगा मैं बोलूंगी, भाई गलत बोलेंगे तो बोलूंगी, ठीक है आप बाद में भी जवाब दीजिए। जी राहुल जी, राहुल जी मैं एक विषय ये रख रहा था कि संगीत सोम और सुरेश राणा के खिलाफ तत्कालीन सरकार ने NSA लगाया, मैं सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि NSA जो है DM लगाता है, कोर्ट पुलिस नहीं लगाती है जी। वो प्रशासनिक कवायद होती है NSA लगाना, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने NSA को गलत पाया और हटा तो दिया, यानी गलत लीजिए, जूही सिंह जी बीच में ना बोलिए, जूही सिंह जी सुना लीजिए, वो आपके बीच में बोलेंगे। राहुल जी मैं दूसरी बात कहूंगा, DM का नाम बार बार आ रहा है तो DM रिपोर्ट लगाता है और आज DM की रिपोर्ट नहीं सुनी जाएगी, ये भी बता दे मनीष जी, मैं प्रश्न ही तो पूछ रही हूँ, जो प्रश्न आप नहीं पूछ रहे वो मैं दूसरी चीज, राहुल जी मैं अपना विषय रख दूं, आज DM की रिपोर्ट क्यों, राहुल जी दूसरी बात, मुजफ्फरनगर कांड के पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक SIT का गठन किया था, SIT ने सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में रिपोर्ट दी थी जिसमें 10 लोग चार्जशीटेड हुए थे, सईदुज्जमा पूर्व सांसद कांग्रेस, कादिर राणा पूर्व सांसद बसपा और उनके बेटे पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, सपा के 3 पार्षद और 66 के एक मौलवी जिनकी मैंने चर्चा की कि उसी दंगे के दौरान उनको पुलिस खोज रही थी, उनको स्पेशल विमान से लखनऊ लाकर मुख्यमंत्री के पास बताया गया था। अरे इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उस दंगे में, और लेकिन मनीष जी विपक्ष का यही कहना है, विपक्ष का यही कहना है कि न्याय प्रक्रिया के तहत जो दोषी है वो दोषी करार दिया जाएगा, जो सही है ठीक है उसे निर्दोष करार दे दिया जाएगा, फिर केस वापसी का सवाल क्यों,
विपक्ष का ये अहम सवाल है। नहीं, राहुल जी किसी भी मुकदमे को वापस लेने की एक विधिक प्रक्रिया होती है, बयान देने से मुकदमे नहीं वापस होते, उसका परीक्षण होता है। अब श्री अखिलेश यादव जी ने अपने समय में क्या किया था, हाईकोर्ट ने डांट के मना कर दिया। अगर विधिक रूप से जो भी गलत होगा उसको ठीक रूप से, ठीक है मनीष जी, जरा शांत हो जाइए, आ पाएगा जरा शांत हो जाइए। जूही सिंह जी हुए होंगे वो आराम से तफसील से, ठीक है मनीष जी सुन तो लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मीडिया और मनीष जी रख रहे हैं तो दोनों जन बताएं कि डीएम की क्या रिपोर्ट आई है। अगर जिला अधिकारी ही बता रहा है जूही सिंह जी वापस लेना है, जूही सिंह जी जिलाधिकारी की मुजफ्फरनगर में क्या रिपोर्ट आई है। जूही सिंह जी जो सवाल है उसका जवाब आप भी दे दीजिए। ये हो हल्ला, बस हो हल्ला के लिए हो रहा है, उसे एक मुद्दा बस बनाए रखना चाहते हैं सदन से लेकर मीडिया के कैमरे तक। सड़क पर उतर जाइए सरकार के खिलाफ अगर लगता है कि नहीं ये सरकार गलत कर रही है। मुजफ्फरनगर दंगे वापसी के केस वापसी को लेकर सरकार गलत कर रही है ना, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया तो स्टूडियो में आप बैठे होंगे, हम सड़क पे उतरे हुए हैं और डीएम ने मना कर दिया है कि ये केस वापसी नहीं हो सकती। आप मीडिया कहे कि भारतीय जनता पार्टी निर्दोष है और मनीष जी कहे कि भारतीय नहीं, हम कहा कह रहे हैं कि निर्दोष है, हम तो सवाल उठा रहे हैं, आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं। जूही सिंह जी आप ही का सवाल जो है उसी का जवाब ले रहे हैं मनीष जी से, और अलग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लोग तो आतंक्वादियों के मुकदमे में अलग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने डांटा कि जमीन पे उतरे हैं, आप लोग को लग रहा होगा। अरे आप सभी मेहमानों के पास आते हैं, जूही सिंह जी लौटते हैं आप ही के पास आएंगे, आप चारों मेहमान बने रहिए, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसे काम न करे जो जनता में हंसी का पात्र बने, ठीक है। एक छोटा सा जवाब मनीष जी आपका कांग्रेस के सवाल पर, फिर विजय उपाध्याय जी के पास चलेंगे। एक तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि राजनीतिक विद्वेष था, ये एनएसए कोर्ट ने हटाया, इससे प्रूफ होता है। दूसरी बात, संविधान और कानून सिख दंगों पे क्या कहता है इसके बारे में ओंकार जी कभी आप राहुल गांधी जी को नहीं बताते क्या? ठीक है, ये तो सवाल है आपका सर। जी ने कौन सा केस वापस लिया मनीष जी? खाली बहस करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बता दीजिए ना उनको भी, एक दिन उनको भी बता दीजिए। उसका कांड आपको याद होगा, ये विधिक सरकार नहीं जो विधिक व्यवस्था है, जो संविधान और कानून, श्री राहुल गांधी जी को पता एक सिख दंगों के दौरान कानून और संविधान की क्या धाराएं क्या कहती थी, और कांग्रेस को मत समझाइए, कांग्रेस ने ही संविधान बनाया है। थोड़ा उनको भी बता दीजिए, आप बता दीजिए जो लंदन में बैठ के गलत बोलते हैं, सिख दंगे में मारे गए जो लोग शामिल रहे उनके साथ खड़े होते हैं, सैदू जमा इसी केस में मुजफ्फरनगर में आपका पूरे एमपी सैदू जमा सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट किया है, कांग्रेस के पूरे एमपी सैदू जमा को सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट किया है। अरे तो किसने वापस ले लिया? और राहुल गांधी जी को भी समझाइए विधिक, और उनको भी थोड़ा अनुभव बताइए। आप 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 बता रहे हैं अनुभव इस सरकार, राहुल गांधी जी को भी थोड़ा अनुभव समझाइए, ले रही है जिनको पता हो किसने वापस लिया, सरकार किस दंगों में जो आरोपी तो उनके साथ खड़े हो रहे हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आरोपी के साथ राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, उनको भी संविधान कानून की मर्यादा बताइए। विजय जी बोलिए, 3,000 से ज्यादा लोग सिखों का कत्लेआम हुआ था, मनीष जी थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। उपाध्याय जी देखिए, मैं राहुल जी दो तीन बातें कहूंगा। उत्तर प्रदेश में केसों के जरिए राजनीति करने की पुरानी परंपरा है। 2002 में भाजपा और बसपा की साझा सरकार थी, मायावती जी ने एक पर्दाफाश रैली किया, मुख्यमंत्री थी, और रैली में उन्होंने घोषित किया 147 मुकदमे मुलायम सिंह जी के ऊपर एक साथ उसी समय अलग अलग थानों में दर्ज हुए जी। ये राजनीतिक केस थे प्योरली, और इस प्रदेश में ये परंपरा है, राजनीति की जो गिरता हुआ स्तर है उसमें केस दर्ज करके किसी का राजनीतिक कैरियर खत्म करना ली थी हमने, आपने क्या किया था आप बताइएगा अभी। हाँ, आप बताइएगा अभी, आपका नंबर आएगा, आप मीडिया को तो ना रुकिए, आपने आरोप भी लगाया है, खुलकर लगाऊंगी, आप लगाइए, मैं बताता हूँ, आपका भी जवाब दे देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए जूही जी आपका जवाब दूंगा। राहुल जी आप पार्टी तो मत ही बनिए, आपको तो मैंने कुछ कहा नहीं, पैनल पर आया है, आप एंकर है, आप जरा बैठा
दरअसल भाई जो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी के साथ? दिक्कत यह है कि पूरी बात सुनना नहीं चाहते। देखिए मैं बताऊंगा, गलत नहीं सुनना चाहते। गलत तो क्या है, सही क्या है, वो अभी आपके सामने आएगा। जब जज आप बन रहे तो हम भी बनेंगे। मैं जज नहीं हूँ, मैं तो तब भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिए, क्या कोई हत्या का मुकदमा आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे दर्ज कराया था उस समय? आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दर्ज कराया? मैं बता रहा हूँ आपको ना, दर्ज नहीं हुआ। हत्या का कोई मुकदमा नहीं है, लूट का कोई मुकदमा नहीं। दंगे के दौरान आपने वहाँ उकसाने का मुकदमा 120 भी दर्ज कराया। मैं आपको, आप पूरी बात सुनिए, 2002 में मुलायम सिंह के खिलाफ राजनीतिक तौर पे 147 मुकदमे मायावती जी ने दर्ज कराए। 2007 में बसपा की सरकार आई, बसपा सरकार ने बाकायदा ड्राइव चलाया, 5000 से ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी के लोगों पे मायावती के दौरान दर्ज हुए। और मायावती जी ने यह कहा मीडिया में कि सपा सरकार में चूंकि मुकदमे दर्ज नहीं होते थे तमाम क्रिमिनल केसेस के, इसलिए हमने मौका दिया और बाकायदे 3 महीने तक ड्राइव चला और FIR दर्ज हुए जी। ये राजनीतिक फैसले थे। इसके बाद अगर आप देखिए, आपका मेन अपोनेंट क्या है, राजनीति का टूल क्या है? अभी सपा की प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मीडिया बायस है और बीजेपी को क्लीन चिट दे रहा हूं। आप हैं क्योंकि आपने कहा 27 तारीख को कि मीडिया को कुछ पता नहीं है कि ऐसा इन्वॉल्वमेंट भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। आप सुन लीजिए, आप बोल दूसरों को मौका दीजिए। अरे सर, जब आप कह रहे हैं कि मैंने आरोप लगाया, घटनास्थल पे गई थी और ना घटनास्थल पे गई थी उस समय और ना हमें पता, मैं गया था। अच्छा, तो आप और लोग भी गए थे सर, क्या मैं बता रहा हूँ आपको ना, आप जज बन जाइए। दंगा क्यों भड़का, जूही जी बता दीजिए, दंगा क्यों भड़का, आप बोलिए दंगा क्यों भड़का, बता दीजिए, सबको बताइए। बिल्कुल बताएंगे, आप बताइए क्यों भड़का, नहीं आप मीडिया, अगर मुझे गलत कह रही हैं आप, तो आप सरे हम बताइए दंगा क्यों भड़का, क्या कारण था दंगा भड़कने का? बीजेपी ने भी अगर दंगा भड़काया आपके आरोप के हिसाब से, तो क्यों भड़काया बताइए, आप बताइए, आप तो क्यों भड़काया, आपने बताइए क्या कारण था? मैं बताऊंगा, मुझे मालूम है क्यों दंगा भड़का। आप बता नहीं रहे, आप फैसला कर रहे हैं। मैं फैसला नहीं कर रहा हूँ, फैसला आप कर रही हैं। फैसला मैंने किया, आप फैसला कर रही हैं। कोर्ट में जाइए, कोर्ट में केस है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति दोषी नहीं था, मुझे पता है, मैं था, मैं कवर कर रहा था, ये हुआ तो सस्पेंड कर दीजिए लखनऊ के लिए। आप बातों को घुमाइए मत, आप बताइए दंगा क्यों भड़का, दंगा क्यों भड़का, बता दीजिए कारण क्या है। उस समय आप अपनी पार्टी थे, सपा की सरकार थी, दंगा क्यों भड़का बता दें। आज जूही सिंह जी, मुजफ्फरनगर के दंगे क्यों भड़के पूछ लीजिए, पूरी पार्टी थी समाजवादी पार्टी। जूही सिंह जी, जूही सिंह जी, जूही सिंह जी, सहाय आयोग की, जूही सिंह जी, ठीक है, रिपोर्ट में क्या बताया, विजय उपाध्याय जी क्या लिखा है, विजय उपाध्याय जी एक मिनट, जूही सिंह जी बीजेपी आ रहे हैं, ओंकार जी आपके पास आते हैं, जूही सिंह जी एक मिनट सर, जूही सिंह जी आप कहती हैं कि बीजेपी के जो नेता थे, जो विधायक थे, वो दंगे में हाथ था, ठीक है, जरा बता दीजिए किस तरीके से था, ये भी हम समझ लेते हैं। और दूसरी ये भी है कि बीजेपी का कहना, एक मिनट सुन तो लीजिए, पूरा सवाल सुना कीजिए जूही सिंह जी, पहले पूरा सवाल सुना कीजिए, पहले पूरा सवाल सुनिए, पूरे नहीं आज्ञा आज्ञा वाली बात नहीं है, यहाँ गेस्ट के तौर पर आए हैं, गेस्ट के तौर पर आए, एक बड़ी पार्टी की आप प्रवक्ता है, और दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी, राजनीतिक विद्वेष के कारण है, जो उनका कहना है उसे हम गलत कैसे मान ले, बीजेपी और जो आप कह रहे हैं उसे हम सही कैसे मान ले। सही मानिए, बीजेपी
नहीं मत मानिए, हम तो कह रहे हैं कि जो भी आपको बता दूंगी केसेस नहीं, आप लाइव बताइए ना, व्हाई शुड आई टेल यू, अयोध्या मुझे मत बताइए, आप पब्लिक को बताइए क्या दंगा भड़का, नहीं मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ, ठीक है डिबेट कर रहे हैं इसी विषय पे, आप बताइए जो सवाल है उसी का जवाब दे दे, आ रहे ओंकार जी, ओंकार जी आते हैं आपके पास, मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताना नहीं चाहते चूंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास वास्तव में तथ्य नहीं है, आपको पता ही नहीं दंगा क्यों भड़का, आप सरकार थे, आपने जांच कराई, आपने आयोग बनाया, वन मैन एक सिंगल जज आयोग बनाया, विष्णु सहाय आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आपके पास, बताइए दंगा क्यों भड़का, ठीक है ठीक है सुन लीजिए, आप एक न्यूट्रल राजनीतिक विषय पर पत्रकार है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जो बात कहें वो सच सच कहें, अगर आप थोड़ा सा भी पेंडुलम इधर अच्छा वो बात सही कहेंगे ओंकार जी तो आपको बुरा लगेगा, संतुष्ट करने के लिए मीडिया नहीं है, तो कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जा रहे हैं ठीक है, हम उसका कह रहे हैं भाई, देखिए बात क्या है, मुकदमा जो भी लगा होगा, ये तो लिमिट है कि कोई है, कोई सपा सरकार ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का फैसला लिया, आप बात सुन लीजिए, क्यों लिया था, बात सुन लीजिए, किस आधार पर आतंकवादियों से फैसला लेने का लिया था, आप बताइए किस, आपने सरकार बनते ही जोड़ेंगे मुकदमे वापसी की बात है, चाहे दंगे की हो या बम विस्फोट की हो, जो कचहरी में बम विस्फोट हुआ उसके मुकदमे आपने वापस लेने की ये एप्लीकेशन दी है, और हाईकोर्ट ने कहा कि क्या पदस्थिति देंगे, आप बताइए ना मिस्टर उपाध्याय, दंगे का आप कारण बताइए, क्या होगा, एक एडिटोरियल लिख दीजिए, लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, वेयर बोलिए, जहाँ लिखते हैं वहीं लिखेंगे, वो दिख रहा है, ठीक है जूही सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आप जो सवाल किया गया उसका जवाब तो दे दीजिए, तो राहुल जी बड़ा दुर्भाग्य, ठीक है आ रहे मनीष जी आते हैं, समाजवादी सिंह पार्टी की प्रवक्ता अगर बचाव नहीं कर पा रही है, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, एक मिनट ओंकार नाथ जी आपके पास आएंगे, जूही सिंह जी देखिए, जूही सिंह जी जो सवाल किया है उसका जवाब तो दे दीजिए, अगर वो कह रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से, कौन सा सवाल, अब फिर सुनाएंगे आपको वही सवाल, दोहराएंगे अगर जवाब नहीं देंगी, राजनीतिक विद्वेष की वजह से केस दर्ज किया गया, एक मिनट सुन तो लीजिए, पहले सवाल सुनने की आदत डाल लीजिए आप जूही सिंह जी आदत मुझे मत सिखाइए सर, जूही सिंह जी क्योंकि सवाल पूछा गया आपने जवाब नहीं दिया, सवाल आपसे पूछा गया आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया, बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक, एक मिनट सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, भाजपा झूठ बोल रही है, आखिर क्यों झूठ बोल रही है जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिए, ठीक है मैम समझ गया आपकी बातों को, अगर भाजपा झूठ बोल रही क्यों बोल रही ये भी बता दीजिए ना, ये बताएं मनीष जी बताएं, आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि नेता दोषी है तो क्यों दोषी है ये भी बता दीजिए, मीडिया से नहीं हम नाराज, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपोजिशन भी मीडिया से नाराज हो रहा है, मैं नहीं जानता कि अपोजिशन के पास, मनीष जी लेकिन समाजवादी पार्टी के मुताबिक गलत कर रहे हैं आप लोग, मैं बता, ठीक है जी बताते ज्यादा बेहतर, ठीक है खुद जज बनी हुई है, सबको खारिज कर दिया इन्होंने अपने अलावा, बताते तो आप अवसर देंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा, और मैं भागूंगा नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास फैक्ट्स है, सच्चाई के रास्ते पे हम है, हमने कहा कि जिनके नाम पर आज गर्मा गर्म बहस हो रही है उनके ऊपर तत्कालीन सरकार ने एनएसए लगाया था, एनएसए को कोर्ट ने वापस ले लिया, ये प्रूफ करता है कि राजनीतिक विद्वेष के नाते एनएसए लगाए गए, मुकदमे कायम किए गए, दो लड़के, सवाल तो यही है विपक्ष का, जूही सिंह का सवाल यही है, क्या हो गई कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत कुछ होने देते हैं, कब सरकार कोर्ट तय करता है कौन सही है कौन गलत है, उनका यही सवाल है, हम नहीं तय कर रहे हैं, कोर्ट तय करेगा, राहुल जी जब भी दंगा भड़कता है तो किसी एक कम्युनिटी को जब ये लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो वो अपने अग्रेशन शो करते हैं और सड़क पे उतरते हैं, लोकतंत्र में भी घेराव धरना प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन यहाँ पे हिंसा शामिल हो जाती है तो दंगे में और एक कम्युनिटी के खिलाफ होता है तो दंगे में बदल जाती है, हिरासत में लिए गए लोगों को क्यों छोड़ा गया, दंगा भड़कने का कारण सिर्फ यही है, और
इस पे जो विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट है उसने दो बच्चे मारे गए, एक एक माइनॉरिटी का व्यक्ति मारा गया और दो बच्चे मारे गए, माइनॉरिटी का व्यक्ति मारा गया उसमें लोग हिरासत में ले लिए गए, उसमें सचिन और गौरव के माता पिता को भी मुलजिम बना दिया गया जो वहां मौके पे नहीं थे, एक कारण ये था। दूसरा कारण, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनको छोड़ दिया गया सचिन गौरव की हत्या में, तो वहां के जाट कम्युनिटी को लगा कि हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है, जिसके प्रतिकार में वो लोग सड़क पे उतरे और उसके उसके रिएक्शन में दूसरा पक्ष भी सड़क पे उतर आया एक दिन पहले ही। बाद में जब दूसरी पंचायत हुई तो वहां पे हिंसा में बदल गई वो। सरकार के पास सारी रिपोर्ट होनी चाहिए थी, फेल्योर सरकार का था और उस फेल्योर के बाद सरकार ने तोहमत उस समय के विपक्ष में डालने की पूरी कोशिश की और सरकार ने इसीलिए बार बार नाम लिया, इसीलिए उन पे मुकदमे दर्ज करा दिए ताकि ये साबित हो सके कि हाँ ये इन लोगों ने दंगा भड़काया। ये टैक्ट है किसी भी रूलिंग पार्टी का, रूलिंग पार्टी यही टैक्ट इस्तेमाल करती है कि भैया अपने विपक्ष को ही कटघरे में क्या कर दो, और जब विपक्ष कटघरे में खड़ा हो ठीक है, उनका ना सुनो, आराम से हम मौका ना सुनो, 50,000 आदमी कैंप में था उस समय। जोहित जी को बताना चाहिए कि क्यों 3 महीने तक लोग 50,000 लोग कैंप में थे, क्यों कैंप में थे, क्यों कैंप में थे, आप बताइए। बिल्कुल बता देंगे सर, एक डिस्कशन कल ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा कि क्या आज बता दीजिए, आज केस उसी से संबंधित है, उस समय इनके पास बहुत कम थे, संख्या जो कोई अगर के दंगा हो रहा है यानी लोग सरकारी महोत्सव मना रहे थे, उनकी परेशानी उनकी डेथ हुई, उन्होंने राहुल जी जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे उस ठंड में 50,000 लोग कैंपों में पड़े थे तो सफाई महोत्सव चल रहा था, ठीक है सर। लेकिन मनीष जी दिक्कत इस बात की है, समाजवादी पार्टी को परेशानी इसलिए हो रही कि आप अपने नेताओं से केस वापस ले रहे हैं जो कि विपक्ष चाहता नहीं है, कांग्रेस भी नहीं चाहता। ओंकार नाथ सिंह जी सुन लेते हैं, काफी देर से है ओंकार नाथ सिंह जी, अगर नहीं पक्का पड़े मीडिया के व्यक्ति को बैठा करके हिला रहे हैं कि आप लोग निर्दोष हैं। ओंकार नाथ सिंह जी तो कहीं झगड़ा तो हो रहा था तभी तो पड़े थे। राहुल जी सवाल मुझसे जवाब ले लीजिए, आ रहे हैं मनीष जी, आ रहे हैं आपके पास एक मिनट, राहुल जी हमारी सरकार ठीक है, आते हैं मनीष जी आते हैं, रुक जाइए एक मिनट, ठीक क्या होगा तो उन पक्ष में अगर मान लीजिए कुछ लोगों के नाम है तो उसको कोर्ट को फैसला करने दीजिए। आप क्यों इतना परेशान है कि आपके रहते ही सब कुछ केस वापस हो जाए, कोर्ट के अंदर अपने दूध पानी पानी ठीक है मनीष जी, ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ओंकार जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी, ओंकार जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, केस वापसी का जो मसला है वो कोर्ट में है, जो शुरू में सबसे पहले ओंकार जी ने कहा उसका एक प्रोसीजर है, सरकार अगर कहेगी भी तो कोई जरूरी नहीं कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे, कोर्ट को तय करना है, और कोर्ट ना हम है ना यहाँ बैठे हुआ कोई भी पैनलिस्ट है जी, और ना मीडिया है, मीडिया खाली तथ्यों को सामने रखता है जिसके आधार पर बहुत से फैसले हो जाते हैं, लेकिन कई बार मुकदमे इसलिए भी सरकारें किसी व्यक्ति पे दर्ज करा देती हैं ताकि कोई पक्ष खुश हो जाए, और ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है लोकतंत्र में, और उत्तर प्रदेश की डेमोक्रेसी में जहां खासतौर पे जिस तरीके की सियासत हो रही है पिछले 20 साल से 25 साल से यहां पे, तो ये बहुत बड़ा हथियार है और इस हथियार का इस्तेमाल समय समय पर जो रूलिंग पार्टी रहती है वो करती है। मैं ओंकार जी ने जितना अभी तक कहा मैं अपने बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि पहलू को देखा जाएगा, आपने दो बिल्कुल देखा जाएगा, लेकिन दंगा क्यों हुआ हाँ। इस पे अगर मीडिया पे कोई सवाल उठाएगा तो उसको बताना पड़ेगा कि दंगा क्यों हुआ, बिल्कुल उठाएगा ठीक है, आप जो क्लीन चिट दे रहे हैं उस पर उठाएगा। जूही सिंह जी एक सवाल आपसे भी ये है कि जी दोनों समुदाय के लोगों ने क्या मुलायम सिंह यादव से मुलाकात नहीं की थी केस वापसी को लेकर, कोई रास्ता निकाला जाए? देखिए राहुल जी, ये लोकतंत्र है, केस अगर लगा है तो मैं शुरू से कह रही हूँ कि आप केस वापसी क्यों कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसका नाम बार बार यहाँ, उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था सर, ये भी सुन लेते हैं, केस वापसी नहीं हो सकती है। सर हमारी पार्टी हमेशा कोशिश यही करती है कि अगर कहीं कोई दो समुदायों में कोई अलगाववाद हो या कोई भी झड़प हो तो साथ बैठकर जरूर सुलझाया जाए। क्या हमारी पार्टी से ऐसा कुछ गया कि वहां पर सब लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिया जाए? विष्णु सहाय जी के अंडर में हमने एक वन मैन कमीशन जरूर सेट किया था जिसने एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाए थे, वही एडमिनिस्ट्रेशन जो आज लखनऊ में एड कर रहा है, तो अगर उस रिपोर्ट पे ही सवाल आपको खड़े करने हैं तो डीएम को सस्पेंड कर दीजिए, जरूर जिम्मेदारी हम अपनी
नहीं मानते। वहाँ के एसएसपी को सस्पेंड किया गया सर, एक मिनट में हमारी सरकार थी, इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता था उस समय तो बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी थी, उस जिम्मेदारी से हम भाग भी नहीं रहे हैं और न भागते हैं। जैसे कि आज के दिन में अगर कुछ हो रहा है, अगर केस वापसी हो रही है या योगी आदित्यनाथ अपना केस वापस ले रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई व्यक्ति उसमें दोषी था, हमने उसको छोड़ दिया, कमेटी का गठन की गई थी, जरा इस पर भी बात कर लीजिए। जब मुलाकात मुलायम सिंह यादव से होती है तो उसके बाद कमेटी का गठन होता है ताकि देखा जाए कि है क्या, और कमेटी में क्या निकल कर आता है सबके सामने है। सर उनकी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में भी सबमिट की गई थी, और तब विपक्ष कुछ विधायक शायद भारतीय जनता पार्टी के भी थे। मैं ये शुरू से कह रही हूँ कि आपको अगर लगता है कि किसी का नाम छूटा है तो यहाँ बैठकर कहने से क्या फायदा, आप मुकदमा दर्ज कराइए, लेकिन जो लोगों के खिलाफ केस वहां दर्ज है आप उसको किस बिना में वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बाकी आप कुछ भी कह सकते हैं कि किसी ने राजनीतिक विद्वेष से कराया, किसी ने दंगे से कराया, किसी ने कुछ भी कराया, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, गलत है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मैं केवल ये कह रही थी कि आप यहां पर मुताबिक जो कर रहे हैं वो गलत है, जज नहीं कर सकते। नहीं, अगर अगर ये गलत है तो जब आतंकवादियों से केस वापसी के लिए एप्लीकेशन गई थी क्या वो सही था? वो भी गलत है सर, मैं तो खुद ही कह रही हूँ जो गलत है वो गलत है। आपकी तरह अभी मैं इतने बंधनों में बंधी नहीं हूँ कि मैं सच को सच न कह सकूँ और झूठ को झूठ न कह सकूँ, लेकिन आप मेरी आवाज दबा भी नहीं सकते। नहीं, आपकी आवाज कोई नहीं, मैं चाहता हूँ आपकी आवाज और मुखर हो, और सही बातें आप बताएं, दंगा क्यों हुआ, साथ में आप ये भी बताइए कि आतंकवादियों से मुकदमे वापस करने के लिए क्या क्यों भेजा गया, उसके लिए क्या मजबूरियां थी, कहां बंधन था, क्यों मना किया सर, उस पे भी आपने कोई रिपोर्ट लिखी है कि क्यों प्रोसिक्यूशन नहीं होने दे रहे हैं? मनीष जी सुनने लेते हैं, वो जवाब नहीं देंगे। जूल सिंह जी, विजय उपाध्याय जी जवाब नहीं देंगे, जवाब मनीष जी देंगे। आपका सवाल है बीजेपी से कीजिए, बीजेपी से कीजिए। मनीष जी गलत कर रहे हैं आप लोग। राहुल जी चर्चा के शुरुआती सत्र में जो मैंने कहा उसी बात को ओंकार सिंह जी ने भी कहा, बाद में विजय जी ने भी कहा ना, हमने सरकार बनने के बाद कहा था कि राजनीतिक विद्वेष से जो मुकदमे कायम हुए हैं उनको हम वापस लेंगे, और उसका एक विधिक परीक्षण होता है, उसका तरीका है, किसी के बयान से मुकदमे नहीं वापस होते, ये सभी लोगों को पता है। और अगर मुकदमे बयान से वापस होते हैं तो जो आतंकवादियों की छोड़ने की पैरवी अखिलेश जी ने की थी, जिसमें डांटे गए थे, सुप्रीम हाईकोर्ट ने डांटा था कि आप इनको पद्धति देने वाले हैं क्या, तो वो एक विधिक प्रक्रिया है, उस विधिक प्रक्रिया में अगर सही होगा, अगर मुकदमे राजनीतिक विद्वेष से कायम नहीं होंगे तो वापस होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैंने प्रमाण दिया, देखिए आप बोल रही थी मैं चुप था, राहुल जी देखिए उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, थोड़ा पार्टी में बैठा, आपके कई सवाल थे सुन लीजिए, यद्यपि डिबेट अगर गंभीरता से चलेगी तो समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी हो रही है, इसलिए आप डिबेट को नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि वो उस समय राजनीतिक संरक्षण दंगे कराए गए थे, अखिलेश यादव का संरक्षण था, अखिलेश यादव का संरक्षण था, गौरव सचिन के हत्यारों को छुड़वाया था, अखिलेश यादव इसलिए आप चाहते हैं डिबेट को अखिलेश यादव जी ने गौरव सचिन के हत्यारों को छुड़वाया था, हमारा कल भी आरोप था, आज भी आरोप है, किन अपराधियों को छुड़वाया था आप लोगों ने, थाने से छुड़वाया था, इसलिए दंगा भड़का था, और दंगा दंगा वहाँ पंचायत में नहीं हुआ था, दंगा वहाँ पंचायत से वापस जाते हुए भीड़ में हमला हुआ था, और जिम्मेदार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने पैसों की जल्दी जिनके कारण 50,000 लोग 3 महीने कैद में रहे, जिनके समाजवादी लोग से कई महोत्सव मना रहे थे, ठंड में लोग झूठ बोलते थे, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। हाँ बिल्कुल, आप बताइए कि देवरिया पे आपने क्या एक्शन लिया, मेरठ पे आपने क्या एक्शन लिया, बांदा पे क्या एक्शन लिया, प्रतापगढ़ पे क्या एक्शन लिया, कुलदीप सिंह संघर्ष पे क्या लिया, आज जो आपने अभी बिना पोस्टमार्टम के दफनाए गए एक दिमाग को उस पुलिस अफसर पे आपने क्या एक्शन लिया, चुप हो जाइए मिस्टर मनीष शुक्ला, कोई जवाब नहीं है, 50,000 लोग ठंड में लेंगे, मैं कहूँगी योगी आदित्यनाथ दोषी है, योगी आदित्यनाथ को सीबीआई प्रोसिक्यूट करना चाहती है, योगी आदित्यनाथ को सीबीआई प्रोसिक्यूट करना चाहती है, जब बच्चे मर रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर और आपकी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सिद्धार्थनाथ सिंह आंकड़ा दे रहे थे, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं निर्भया के बाद गोयल को निर्भया, और
हमारा कमिटमेंट है। आपने जाति और धर्म देके एफआईआर कराएंगे, हम नहीं फंसने देंगे, हमारा कमिटमेंट है। जिन चीजों में कहते जा रहा हूँ कि हम अखिलेश यादव ने जो राजनीतिक विकास से जाति और धर्म के आधार पर मुकदमे कायम किए थे, एक एक व्यक्ति मुद्दे उसमें किसके साथ सरकार खड़ी रही थी। हम तब विपक्ष में थे, कभी हम निर्दोषों के साथ खड़े थे। आज हम सरकार में है, हम आज भी निर्दोषों के साथ खड़े रहे हैं। हम जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने के लिए योगी आदित्यनाथ कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े हैं। एक प्रभारी मंत्री के तुष्टिकरण के लिए, अरे सर महिलाओं को बचाने के तुष्टिकरण की बात बात में करिएगा, वो आपका है क्या होता है, मेरा नहीं है। और महिलाओं को थोड़ी सुरक्षा दे दीजिए, रक्षाबंधन भी क्या बीता है, तुष्टिकरण और हिंदू मुसलमान बात में कर लीजिएगा, वो आपका एजेंडा हो सकता है। और आप अपने एजेंडे की जगह कैराना में आ रहे हैं, फूलपुर में आ रहे हैं, गोरखपुर में आ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। जिस जो तकरार टीवी डिबेट शो में भी देखी जा रही है विपक्ष और बीजेपी के बीच, यही सदन में होना चाहिए, यही सड़क पर होना चाहिए, ताकि सवाल जवाब के बीच जनता को वो जानकारी मिल सके जिस आधार पर पूरी कवायद की जा रही है कि आखिर मुजफ्फरनगर दंगे में जिनके वापसी की बात हो रही है किस बिना पर हो रही है, और जो विपक्ष का आरोप है वो सही है, या फिर जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से नेताओं पर केस लगाया गया और इसीलिए केस वापसी हो रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।